पहली अस्थि का नाम क्या है बेटा? मेलियस। दूसरी अस्थि का नाम है इनकस और तीसरी अस्थि का नाम है स्टेपिज। गाइज अगर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा बेटा या तो मेलियस से या फिर स्टेपिज से। राजस्थान लेबर स्टैंड के एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सी अस्थि है जिसका आकार हथौड़े के समान होता है, हैमर के समान होता है। तो बेटा ये जो मेलियस होती है, ये मेलियस अस्थि का आकार हथौड़े के समान होता है, हैमर के समान होता है। इस वजह से बेटा इस अस्थि को हैमर अस्थि कहा जाता है, इस अस्थि को हैमर अस्थि कहा जाता है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले बेटा आप हेडिंग लगा लीजिए कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। देखो भैया अब कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं 5-7 मिनट में ताकि आप इस क्लास से अच्छे से जुड़ सके। देखिए बेटा आपका जो कंकाल तंत्र होता है, ये कंकाल तंत्र आपके शरीर की 206 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। इस बात का तो आपको पता है, आपके शरीर की बेटा 206 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है आपका कंकाल। जब आपके शरीर की 206 हड्डियां व्यवस्थित क्रम में जुड़ करके तैयार हो जाती है तब आपके शरीर का कंकाल भैया आपको दिखाई देता है। बेटा इस कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक है भैया एक्जियल स्केलेटन अर्थात अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगीय कंकाल। इतनी कहानी समझ में आई? मैंने क्या कहा, आपका कंकाल बेटा आपके शरीर की 206 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब ये 206 हड्डियों को हमने भैया दो भागों में बांट दिया यानी कि इस कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट दिया, एक अक्षीय कंकाल में और एक उपांगीय कंकाल में, एक अक्षीय कंकाल में और एक उपांगीय कंकाल में। बेटा अगर हम अक्षीय कंकाल की बात करें तो इसमें वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य धड़ में आती है। अब आप कहोगे कि भैया मुख्य धड़ क्या होता है? अगर आपके शरीर से आपके हाथों को और आपके पैरों को अलग कर दिया जाए तो बेटा बचा हुआ भाग आपका मुख्य धड़ होगा, बचा हुआ भाग आपका मुख्य धड़ होगा। तो बेटा इस अक्षीय कंकाल में वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य धड़ में, जो आपके मुख्य धड़ में, और मुख्य धड़ में बेटा टोटल 80 अस्थि आती है। तो एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है बेटा 80। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल की। तो बेटा उपांगीय कंकाल में वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य धड़ से अलग होती है। देखो मैंने अक्षीय कंकाल में क्या बताया था कि आपके शरीर में, आपके शरीर से अगर आपके हाथों को और आपके पैरों को अलग कर दिया जाए तो बचा हुआ भाग मुख्य धड़ कहलाता है। अब बेटा उपांगीय कंकाल की बात करते हैं तो इसमें वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य धड़ से अलग है, जैसे कि हाथों की और पैरों की, कंधे की और कूल्हे की। तो देखिए बेटा उपांगीय कंकाल में वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य धड़ से अलग है और इसमें जो अस्थियों की संख्या है वो 26 है। देखिए बेटा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है यानी कि अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थि होती है, तो कितनी अस्थि होती है बेटा 80 होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, तो बेटा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है कि उपांगीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है बेटा 126 होती है।
अब बात करते हैं कि ये 80 अस्थियाँ तो खापर होती है हमारे शरीर में और ये 126 अस्थियाँ हमारे शरीर में खा होती है, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र की जो अस्थि है बेटा 80, ये खा होती है हमारे शरीर में, और उपांगी कंकाल तंत्र की ये 126 अस्थियाँ है बेटा ये खा होती है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले उपांगी कंकाल की बात करें तो उपांगी कंकाल में ये 126 अस्थियाँ खा होती है। बेटा अगर हम हमारे हाथ की बात करें, इस हाथ की बात करें तो इस हाथ में बेटा 30 अस्थि है। अब कौन कौन सी है, उनका नाम क्या क्या है, तो बेटा जब हम आपको हाथ के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो एक हाथ में 30 होती है तो बेटा दूसरे हाथ में भी तो सेम है, दूसरे हाथ में भी 30 होती है, तो 30 और 30 मिलकर के कितनी हो गई बेटा 60। ठीक इसी तरीके से आपके एक पैर में भी कितनी होती है बेटा 30 होती है, और दूसरे पैर में भी 30 होती है, टोटल मिलकर 60 हो गई। अगर मैं आपके कंधे की बात करूं बेटा तो आपके एक कंधे में 2 अस्थियां होती है। देखिए एक ये वाली अस्थि जिसे आप कोलर बोन कहते हो और एक ये वाली अस्थि, इसके पुला और कलेविका, ये 2 अस्थियां होती है, दोनों तरफ 2-2 होती है, तो 2-2 4। अगर मैं कूल्हे की अस्थि की बात करूं तो बेटा इसकी संख्या 2 होती है। देख लीजिए 60 और 60, 120, 124 और 126। अब बात करते हैं बेटा कि मुख्य धड़ में जो 80 अस्थियां होती है ये कहाँ कहाँ होती है। तो बेटा देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिर की, इस जगह से ऊपर ऊपर की बात करें बेटा तो आपके सिर में आपकी खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। अब ये 29 अस्थियां कहाँ होती है मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता दूंगा। उसके अलावा बात करते हैं बेटा, एक होती है भैया आपके सीने की अस्थि, सीने की अस्थि इसे स्टनम कहा जाता है, इसकी संख्या 1 होती है, तो 29 और 31 30 अस्थियां तो ये हो गई। इसके अलावा बेटा मैं 50 अस्थियों के बारे में और जानना है। तो देखिए आपकी जो पसलियां होती है बेटा, उन पसलियों की संख्या कितनी होती है, ये जोड़े में उपस्थित होती है 12 जोड़ी होती है, अर्थात बेटा ये कितनी होती है, ये होती है 24। अगर मैं रीढ़ की हड्डी की बात करूं, अगर मैं रीढ़ की हड्डी की बात करूं बेटा, तो छोटे बच्चों में तो 33 होती है, बड़ों में 26 होती है, तो 26 और 24 50, और 50 और ये दोनों मिलकर के कितनी हो गई बेटा 30, तो 50 और 30 कितनी हो गई 80। तो ये आपके अक्षीय कंकाल में आने वाली 80 अस्थियां है, और ये आपके उपांगीय कंकाल में आने वाली 126 अस्थियां है। बेटा कल हमने स्टार्ट किया था भैया सिर के बारे में, किसके बारे में बेटा, सिर के बारे में, यानी कि आपकी खोपड़ी में जो अस्थियां आती है 29 खोपड़ी, इनके बारे में स्टार्ट किया था बेटा। तो आज की क्लास में मैं इन्हीं के बारे में पढ़ना है, लेकिन बेटा कल मैंने आपको कपाल की अस्थियां करवा दी थी, इन 29 में ही आती है बेटा कपाल की अस्थियां, जिनकी संख्या होती है 8। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भैया आपके इस खोपड़े में ये जो 29 अस्थियाँ होती है ये कहाँ कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले कपाल की अस्थि हो गई बेटा 8, आपका जो चेहरा है इस चेहरे पर 14 अस्थि होती है। अब ये 14 कौन कौन सी हैं तो वो देखिए बेटा, आपकी जो नाक होती है इस नाक में होती है 5, आपका जो गाल है इस गाल की अस्थियों की संख्या होती है 2, आपकी जो आँख है इस आँख की अस्थियों की संख्या होती है 2, आपका जो तालवा है बेटा इस तालवे की अस्थियों की संख्या होती है 2, आपका जो जबड़ा है बेटा एक होता है निचला जबड़ा और एक होता है, चलो निचला जबड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, एक होता है बेटा निचला जबड़ा और एक होता है बेटा आपका ऊपरी जबड़ा। जो ऊपरी जबड़ा होता है इसमें 2 अस्थियां होती है, निचले जबड़े में 1 अस्थियां होती है। तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 12 13 14, ये 14 अस्थियां हो गई। आपके कपाल की हो गई 8 अस्थियां, तो 14 और 8 22। बेटा आपका जो कान होता है इस कान में होती है, एक कान में 3 अस्थियां होती है, दोनों कानों में मिला करके 6 अस्थियां होती है। उसके अलावा एक गले की अस्थि होती है बेटा, और गले की अस्थि की संख्या भी कितनी होती है 1 होती है। तो बेटा कल हमने इन 8 अस्थियों के बारे में पढ़ लिया था। देखिए कपाल की जो
कपाल की ये जो 8 अस्थियां होती है ये हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, बाहरी आघातों से बचाती है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था। अब ये बेटा 8 अस्थि कौन कौन सी है तो इनका नाम भी बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से रिविजन हो जाए। पहली थी बेटा फ्रंटल, सबसे आगे वाली अस्थि ये वाली अस्थि होती है, ये फ्रंटल होती है। एक जस्ट पीछे होती है यहाँ पर, उसका नाम है बेटा ओसिपिटल। ओसिपिटल एक होती है बेटा टेम्पोरल, इनकी संख्या एक होती है, इसकी संख्या एक होती है, इसकी संख्या दो होती है। ये टेम्पोरल बेटा वह अस्थि है जो हमारे कान के पास होती है, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि, ठीक है। नंबर 4 पर बात करें बेटा तो पेराइटल, ये पेराइटल बेटा इनकी संख्या भी दो होती है। इसकी संख्या कितनी होती है बेटा, इसकी संख्या दो होती है। जहां पर हमारे माता पिता पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं यहां पर, इसे याद रखते हैं ना, तो ये वाली जो अस्थि होती है बेटा ये अस्थि होती है पेराइटल। इतनी बात क्लियर है, ओके। नंबर 5 पर बात करते हैं स्पेनोइड, इसकी संख्या एक होती है। और नंबर 6 पर बात करते हैं इथमोइड, इसकी संख्या भी एक होती है। बेटा ये जो स्पेनोइड अस्थि है इसका आकार तितली के समान होता है और ये जो कपाल की अन्य जो 7 अस्थियां है इन सभी से जुड़ी हुई होती है, इसलिए स्पेनोइड को कपाल का पत्थर भी कहा जाता है। तो बेटा यहां तक की कहानी हमने कल पढ़ ली थी, क्या आपको ये कहानी समझ में आई? बोलो भैया क्या आपको ये कहानी समझ में आई, जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपको वास्तविकता में ही लग रहा है कि आपने अच्छा कंटेंट दिया है भैया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, SSC, NDA, PCS, नीट, पटवार, पुलिस, UPSC सभी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। गाइज मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की MCQ सीरीज करवा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बोलो क्या ये कहानी समझ में आई आपको? ओके बेटा अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी आज की क्लास। आज की क्लास में बेटा ये जो बची हुई आपकी ये जो 29 अस्थियों में से 8 अस्थि तो निकल गई, ये जो 21 अस्थियां बची है बेटा इन 21 अस्थियों के बारे में आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं, मिटा दो भैया। ओके देखिए बेटा क्या हमने कपाल की 8 अस्थियों के बारे में पढ़ा? ओके अब बेटा हम शुरुआत करते हैं कान की इन 6 अस्थियों से। देखिए हेडिंग क्या लगाओगे आप, कान, ईयर। बेटा एक कान में 3 अस्थि होती है, कितनी अस्थि होती है? 3, और दोनों कानों में मिलकर के 6 अस्थियां होती है। इसलिए भैया हम 6 अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं आपके कान में। सेम है बेटा, एक कान में जो अस्थि होगी वही दूसरे कान में होगी, दूसरे कान में जो अस्थि होगी वही पहले कान में अस्थि होगी, यानी कि ये दोनों कानों में 3-3 अस्थियां सेम होती है। देखिए बेटा आपका जो कान होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है बेटा बाह्य कर्ण, एक होता है मध्य कर्ण और एक होता है बेटा अंतःकरण। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य कर्ण की। बेटा ये कान का बाहरी भाग होता है, ये कान का बाहरी भाग होता है, ये कान का बेटा बाहरी भाग है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई देता है वो ये बाह्य कर्ण होता है, इसे बेटा पिन्ना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पिन्ना कह दीजिए आप या कर्ण पल्लव कह दीजिए, बात एक ही है। इसका नाम क्या है? पिन्ना या कर्ण पल्लव।
बेटा ये उपास्ति का बना हुआ होता है, ये उपास्ति का बना हुआ होता है। और उपास्ति के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था, उपास्थि भी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम फॉस्फोरस की, लेकिन जो हड्डियाँ होती है उनमें तो कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से बेटा वो कठोर व सख्त होती है, लेकिन जो उपास्थियाँ होती है उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, इसके कारण बेटा उपास्थियों में एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। ये देखिए आपकी ये जो अस्थि है, सॉरी ये जो उपास्थि है, ये कान का बाहरी भाग, इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है, इस वजह से बेटा हम इसे इधर से उधर कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि उपास्थि की बनी हुई होती है और इसमें निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है, निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। बेटा ये जो कान का बाहरी भाग होता है इसमें अस्थियां उपस्थित नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये किसकी बनी हुई होता है, किसका बना हुआ होता है, ये उपास्थि का बना होता है। लेकिन जो मध्य वाला भाग होता है बेटा, मध्य कर्ण, इस मध्य कर्ण में आपकी जो अस्थियां होती है ये अस्थियां उपस्थित होती है। अब एक कान में बेटा तीन अस्थि होती है, सेम दूसरे कान में भी वही तीन अस्थियां होती है। इन तीन अस्थियों के बारे में जान लेते हैं। पहली अस्थि है बेटा मेलियस, दूसरी होती है बेटा इनकस, और तीसरी होती है स्टेपीज। पहली अस्थि का नाम क्या है बेटा मेलियस, दूसरी अस्थि का नाम है इनकस, और तीसरी अस्थि का नाम है स्टेपीज। गाइज अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा बेटा या तो मेलियस से या फिर स्टेपीज से। राजस्थान लेबर स्टैंड की एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सी अस्थि है जिसका आकार हथौड़े के समान होता है, हैमर के समान होता है। तो बेटा ये जो मेलियस होती है, ये मेलियस अस्थि का आकार हथौड़े के समान होता है, हैमर के समान होता है, इस वजह से बेटा इस अस्थि को हैमर अस्थि कहा जाता है, इस अस्थि को हैमर अस्थि कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? ओके बेटा, जो इनकस अस्थि होती है इसका आकार एनविल के समान होता है। अब बात आती है कि ये एनविल है क्या। तो कभी आप चप्पल जूते ठीक करवाने गए हो मोची के पास, बेटा मोची जिस लोहे पर अपने जूते या चप्पल को बनाता है उस लोहे को कहा जाता है एनविल। तो इस इनकस का आकार एनविल के समान होता है। और जो स्टेपीज होता है बेटा, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, ना जाने कितने क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यह मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, ये मानव शरीर की बेटा सबसे छोटी अस्थि है। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। आपने पढ़ा होगा बेटा, जब अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है और अगर आपने वैसे ही नॉर्मली इसका क्वेश्चन सेशन लिया है तो आपको पता होगा बेटा, ये दो क्वेश्चन जरूर आए होंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है और मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो बेटा मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि होती है वो होती है फीमर, जो कि हमारे पैर की होती है, जांग की होती है। और बेटा मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है वो होती है भैया स्टेपीज, स्टेपीज। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, और बात करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जो कान का पर्दा होता है इस कान के पर्दे को क्या कहा जाता है। तो बेटा कान के पर्दे को कहा जाता है टिम्पेनम, क्या कहा जाता है टिम्पेनम, और ये भैया अंत्यकरण में उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा कि कान का कार्य क्या है, कान का प्राथमिक कार्य क्या है। एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि कान का प्राथमिक कार्य क्या है। तो बेटा कान का प्राथमिक कार्य सुनना नहीं होता, शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। बोलो बेटा क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताओ।
बोलो बेटा आ गई क्या? स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके बेटा मिटा देता हूँ। तो बेटा कान की कहानी समाप्त हो चुकी है, कान की कहानी समाप्त हो चुकी है। किसकी कहानी समाप्त हो चुकी है? क्या वीडियो पसंद आ रही है आपको? तो लाइक करो भैया, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। देखो यार हो सकता है, मैंने अभी नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया है, हमारे पास ऑडियंस नहीं है, लोग कम देखते हैं, इसलिए लोगों के पास भेजो कि भैया फिर अब पोस्ट अच्छा कंटेंट दिया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर। देखो बेटा अब बात करते हैं गले की अस्थि के बारे में। किसके बारे में बेटा? गले की अस्थि के बारे में। तो गले की अस्थि को क्या कहा जाता है बेटा? पहले मैं आपको बता दूं, गले की अस्थि एक होती है और इसका नाम होता है बेटा हायोड। क्या होता है बेटा? हायोड। देखिए बेटा गले की अस्थि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि इस गले की अस्थि का आकार कैसा होता है। तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान इसका आकार होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है बेटा कि निम्न में से किस अस्थि को स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। पूछा गया है बेटा रेलवे में कि किस अस्थि को स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। तो बेटा किस अस्थि को कहा जाता है? हायोड को। अब ये आप कहोगे कि हमें समझ में नहीं आया कि भाई स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा जाता है इसे, कि भाई स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा जाता है इसे। उसका एक रीजन है। देखिए बेटा हमारे शरीर में जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी तो उसी दिन पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। छोटे बच्चों में तो ज़्यादा होती है, 300 के आसपास होती है, लगभग 300 से अधिक होती है। लेकिन एक वयस्क व्यक्ति की बात की जाए तो उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। ये सभी 206 हड्डियाँ बेटा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, लेकिन अपवाद के तौर पर बेटा ये जो गले की अस्थि है ये एक अपवाद है, ये बेटा अन्य किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, अन्य किसी अस्थि से जुड़ी नहीं होती, अन्य किसी अस्थि से जुड़ी नहीं होती भैया ये अस्थि, ये हमारी जीभ से जुड़ी हुई होती है एक संरचना की सहायता से। ये बेटा हमारी जीभ से जुड़ी हुई होती है एक संरचना की सहायता से, ये अन्य किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, इस कारण से स्वतंत्र अस्थि की संज्ञा दी गई है। क्योंकि मानव शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं बेटा सभी अस्थियां एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एकमात्र ये ऐसी अस्थि है गले की अस्थि जो बेटा किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए बेटा इसे स्वतंत्र अस्थि की संज्ञा दी गई है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया फांसी के समय कौन सी अस्थि क्षतिग्रस्त होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि, तो फांसी के समय बेटा कौन सी अस्थि क्षतिग्रस्त होती है? तो हायोड। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गले की अस्थि का नाम क्या है? तो हायोड है। अब बेटा फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि कौन सी है? हायोड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर और समझाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। ये फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि कौन सी है? तो भैया हायोड है। देखिए एक कहानी बताता हूँ, जब किसी इंसान को फांसी दी जाती है ना तो बेटा उसकी जो जीभ होती है वो या तो बाहर लटक जाती है या फिर अंदर लटक जाती है। उसका रीजन क्या है? कि ये जो हायोड अस्थि होती है ये हमारी जीभ से जुड़ी हुई होती है, और जब ये हायोड अस्थि टूटती है तो भैया सीधी सी बात है भाई जो जीभ है या तो बाहर लटकेगी या अंदर लटक जाएगी, ये ध्यान रखना। बेटा जो कुत्ते की अस्थि होती है, सॉरी कुत्ते की जो जीभ होती है वो बाहर ज्यादा लटकी हुई होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हायोड यानी कि उसके गले की अस्थि और जीभ के बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है,
इस वजह से बेटा कुत्ते की जो जीभ होती है वो बाहर ज्यादा लटकी हुई होती है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता। तो आशा करता हूं बेटा ये कहानी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटा अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, गले की अस्थि के बारे में पढ़ लिया, कान की अस्थियों के बारे में पढ़ लिया, कपाल की अस्थियों के बारे में पढ़ लिया। अब हमारी बची हुई है चेहरे की 14 अस्थि, तो आइए इनका भी जुगाड़ करते हैं। क्या यहाँ तक की कहानी बेटा आपको समझ में आई अच्छे से? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं जबड़े की अस्थि के बारे में। किसके बारे में भैया? जबड़े की अस्थि। देखिए बेटा जबड़े की अस्थि की संख्या होती है 3। आपके दो जबड़े होते हैं, एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। एक जबड़ा ये होता है ऊपरी जबड़ा, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला, और जो निचला जबड़ा होता है वो ये होता है, ये सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आपके जो जबड़े होते हैं बेटा ये दो होते हैं, एक होता है ऊपरी जबड़ा और ऊपरी जबड़े में हड्डियों की संख्या होती है 2, और एक होता है बेटा निचला जबड़ा, इसमें इसकी संख्या 1 होती है। जो ऊपरी जबड़ा होता है बेटा इसे कहा जाता है मैगजिला बोन, और जो निचला जबड़ा होता है उसे कहा जाता है मैंडिबल, मैंडिबल बोन। मैगजिला बोन और मैंडिबल बोन, जो ऊपरी जबड़े की अस्थि होती है बेटा उसे कहा जाता है मैगजिला बोन, और निचले जबड़े की जो अस्थि होती है बेटा उसे कहा जाता है मैंडिबल बोन। यहाँ पर ए आएगा भैया। जो ऊपरी जबड़े की अस्थि होती है उसे कहा जाता है मैगजिला, और निचले जबड़े की जो अस्थि होती है उसे कहा जाता है मैंडिबल। अब बेटा अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैंने क्या कहा कि निचला जबड़ा क्या होता है, यहां से स्टार्ट होता है ये आगे वाला यहां तक। तो बेटा क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि है ये वाली, निचले जबड़े वाली? जी हाँ बेटा, आपके चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो वो है बेटा मैंडिबल बोन। चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि है चेहरे की, ये भैया सबसे बड़ी अस्थि है, ये बेटा आपके चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि है भैया कौन सी? मैंडिबल बोन। तो क्या जबड़े की कहानी आपको समझ में आई? जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें दो अस्थि होती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो भैया हमने जबड़े की अस्थि भी क्लियर कर दी। अब बात करते हैं बेटे तालवा की अस्थि के बारे में। बेटा तालवा की जो अस्थि होती है उसकी संख्या होती है 2, एक होता है निचला नीचे की तरफ तालवा, एक होता है ऊपर की तरफ, लेकिन उनका जो नाम है वो सेम है। इन्हें कहा जाता है पेलेटाइन, पेलेटाइन बोन। पेलेटाइन बोन वह अस्थि होती है जिसे आप आम भाषा में तालवा की अस्थि कहते हो। पेलेटाइन बोन तालवा की अस्थि, एक आपका ऊपरी तालवा होता है ये वाला, और एक निचला तालवा होता है, ठीक है। तो तालवा की अस्थि भी क्लियर हुई। अब बात करते हैं बेटा आंख की अस्थि की, गाल की अस्थि की और नाक की अस्थि की। क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? क्या बोलो बेटा, किसी को कोई परेशानी? जबड़े की अस्थि 2-3 होती है, एक होती ऊपरी जबड़े की जिसकी संख्या होती है 2 मैगजिला बोन, और निचले जबड़े में एक अस्थि होती है जिसका नाम है मैंडिबल बोन। ये जो मैंडिबल बोन होती है चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि होती है। तालवा की अस्थि की संख्या 2 होती है, इसे पेलेटाइन बोन कहा जाता है। मिटा दो भैया, किसी को कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं बेटा किसकी? आंख की अस्थि की और भैया गाल की अस्थि की। डायरेक्ट आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में देखिए बेटा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है। हमारी आंख जिस अस्थि में उपस्थित होती है उस अस्थि को क्या कहा जाता है?
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके गाल की अस्थि को क्या कहते हैं, गाल की अस्थि की संख्या कितनी होती है, आपकी अस्थि की संख्या कितनी होती है, चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो कौन सी है बेटा, मैंडिबल बोन। चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि भी यही होती है, मैंडिबल बोन। और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आंख की अस्थि के बारे में बात करते हैं, आंख की अस्थि बेटा, जो आंख की अस्थि होती है इसकी संख्या होती है दो, लेक्राइमल। हमारी आंख जिस अस्थि में उपस्थित होती है उस अस्थि को कहा जाता है लेक्राइमल बोन। देखिए ये वाली अस्थि, हाथ लगा के देखो, यहां पर आपको अस्थि दिखाई देती है, यहां पे देखोगे एहसास होता है ना कि यहां पर अस्थि है भैया। तो हमारी आंख जिस अस्थि में उपस्थित होती है उस अस्थि को कहा जाता है लेक्राइमल बोन। इसकी संख्या दो होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब बात करते हैं बेटा गाल की अस्थि की, गाल की अस्थि की। बेटा गाल की अस्थि की संख्या भी दो होती है, नाम है जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बोन। अगर आप अच्छे से देखोगे, हाथ लगाकर देखो, यहां एहसास होगा एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि, दो होती है बेटा गाल की अस्थि। बोलो तो क्या आंख की अस्थि आपको समझ में आई, क्या गाल की अस्थि आपको समझ में आई? अब बचा क्या है बेटा, मैं सिर्फ नाक की पांच अस्थियां बची है, तो आइए इनके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। मिटा दूं, ओके। देखिए बेटा कान का जो आगे का हिस्सा होता है, सॉरी कान का नहीं, नाक का, आपकी नाक का जो आगे का हिस्सा होता है ये वाला जो हिलडुल सकता है, ये बेटा किसका बना हुआ होता है, नाक का आगे वाला हिस्सा, नाक का आगे वाला हिस्सा ये बेटा उपास्थि का बना होता है, और उपास्थि में एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है, ये मैंने आपको बताया था। उपास्थि में एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसलिए ये बेटा हिलडुल सकता है। ऐसा नहीं है कि नाक में अस्थियां नहीं होती, हड्डी भी होती है। देखिए अगर आप बीचों बीच टच करके देखोगे आपको तो एक अस्थि दिखाई देती है, तो नाक के बिल्कुल बीचों बीच एक अस्थि होती है बेटा। बीचों बीच क्या लिखने में अच्छा लगेगा बेटा, आपकी नाक के बिल्कुल मध्य में एक अस्थि होती है, एक जिसे कहा जाता है वोमर बोन। ये वाली अस्थि टच करके देखो, ये वाली अस्थि, ये ठीक है। और बात करते हैं बेटा तो दो अस्थियां और होती है जिन्हें कहा जाता है नेजल बोन। अब बात आती है कि भैया ये नेजल बोन कहाँ होती है, यहां टच करके देखो, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। ये वाली अस्थि अलग है, यह आपकी अस्थि है, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि, ये होती है बेटा नेजल बोन। तो इसकी संख्या होती है, इसकी संख्या एक होती है, इसकी संख्या दो होती है। नंबर तीन पर आता है बेटा इंफीरियर नेजल कोंका। बेटा ये जो अस्थि होती है इनकी संख्या दो होती है, ये हमारी नाक के अंदर होती है, बाहर से तो कैसे बताऊं मैं आपको। तो ये होती है बेटा आपकी पांच अस्थियां, एक वोमर बोन होती है, एक नेजल बोन होती है, एक इंफीरियर नोजल नेजल कोंका होती है। ये बेटा टोटल आप गिनोगे तो दो दो चार एक पांच, ये टोटल नाक की बेटा पांच अस्थि हो गई। तो क्या हमने इन बेटा आपकी सिर की या खोपड़ी की इन 29 अस्थियों के बारे में पढ़ा क्या? जी हाँ। कौन सी अस्थि कहाँ पर होती है और उनका नाम क्या है बेटा, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे बेटा पसलियों की संख्या के बारे में,
कि पसलियों की हड्डियों के बारे में, संख्या के बारे में नहीं, पसलियों की हड्डियों के बारे में, और टाइम रहा तो रीढ़ की हड्डी के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई बेटा? अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हाँ, शाम को 7 बजे बेटा ये कंकाल तंत्र वाला हम चैप्टर करवा रहे हैं, तो शाम को 7 बजे ये क्लास आती है, और सुबह 7 बजे हम बेटा बायोलॉजी का रिवीजन करवा रहे हैं, जहाँ पर भैया हम प्रत्येक चैप्टर बायोलॉजी का प्रत्येक चैप्टर की चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते हैं। अभी हमारा वहाँ पर ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर चल रहा है, लगभग मैंने उसमें 25 क्वेश्चन करवा दिए, उन 25 क्वेश्चनों में लगभग मैंने गाइज 120 से 130 क्वेश्चन की जानकारी दे दी है। अभी तक आपने उस सीरीज को भी ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है आपको, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।